श्री राम नाम सुमिरन के बिना कामनाओं का अंत नहीं होता। फल विहीन तरु कबहों की जामा, वृक्ष जब लगेगा पृथ्वी पर ही लगेगा, कामनाएं जब मिटेंगी राम भजन से ही मिटेंगी। इसीलिए इन्हें मिटाओ मत, इनको मिटाने वाले मिट गए, ये नहीं मिटी। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद। इसीलिए इन कामनाओं की, देखो कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, और कामनाओं की निवृत्ति में साधु आनंद ढूंढता है। एक कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, पर ये महाराज विचार से नहीं होती। कितने ही सत्संग करें, देखो भगवान राम बाण मारते रावण को, 10 सिर और 20 भुजाएं तुरंत कट जाती। भगवान जैसे ही रावण के 10 सिर काटें 20 भुजा काटें तो लगता गया रावण, मर गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर पैदा हो जाए। भगवान तक परेशान कि ये कटते हैं मिटते नहीं। और सत्संग से भी यही होता है, हाथों के द्वारा हम कर्म करते हैं और दिमाग के द्वारा हम सोचते हैं। 10 सिर कट गए मानस, हमारी सोच बदल गई। भगवान राम के बाण अर्थात संत की वाणी, और संत की वाणी जब बाण की तरह चोट करती है तो हमारे नासमझी के सिर कट जाते हैं, और नासमझी के द्वारा करने वाले कर्म जिनके द्वारा होते हैं वे हाथ भी कट जाते हैं। अर्थात हमारी समझ बदल गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा नवीन पैदा हो गए, नए निकल आए। हम लोगों के साथ भी यही होता है, यहां सबके कट गए, सही में कट गए, 10 सिर कट गए 20 भुजाएं कट गईं। अच्छा बोलो अभी आपकी समझ बदल गई कि नहीं, कि नहीं ठीक कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आज के बाद नहीं करेंगे। तो समझ भी बदल गई, सिर भी बदला और हाथ भी बदला, है ना। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, घर जाके पैदा हो जाते हैं कि नहीं, यही हो रहा है। देखो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, उनको 5 गांव दे दो। वैसे तो तुम्हें उनका राज्य देना चाहिए पर नहीं दे सकते, तो 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन क्या बोला, सूचि अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे श्री कृष्ण में सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ये धर्म है, ये धर्म है। दुर्योधन ने कहा मैं कब कहता हूं ये धर्म है, अधर्म है, तुम जानते हो कि अधर्म है। कहां जानता हूं, फिर कर क्यों रहे हो।
दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं, मेरी भी कठिनाई यह है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवे ने हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति बैठी मुझे जैसा नियोजित करती हूं वैसे ही करने के लिए विवश हो जाता हूं। और ये बात आपने सुनी होगी, इस बात से अपने जीवन को जोड़कर देखिए यही होता है कि नहीं। गांव में दो तरह के कुत्ते घूमते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू। फालतू तो अपने मालिक का दर छोड़कर नहीं जाता, फालतू गांव भर में घूमते हैं। आप किसी भी कुत्ते को रोटी डालो तो आप जहां रोटी डालोगे वहीं खाएगा, पूंछ हिलाएगा, ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा हो, दो पांव से खड़ा हो जाएगा जैसे नमस्कार कर रहा हो, अब एक पांव पे रोटी रखेगा दूसरे से दबाएगा तोड़ तोड़ के खाएगा, कभी आपकी ओर देखेगा फिर रोटी की ओर देखेगा, कभी देने वाले की ओर कभी रोटी की ओर, और इतने मगन से पूंछ हिला हिलाकर प्रसन्न होकर खाएगा, सबका अनुभव है। और जब वही कुत्ते को आप रोटी न डालें, वह कुत्ता आपके घर से रोटी चुराए, तो जहां रोटी चुराई है वहीं खाएगा, कभी नहीं खा सकता। अच्छा दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा और इधर उधर देखकर चुपचाप तीन मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? मुझे लगता है कुत्ता भी जानता है कोई ईमानदारी की रोटी है ये बेईमानी की रोटी है, कुत्ता भी जानता है वो सही है ये गलत है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हित अनित पशु पक्षी जाना, ये जानने की समस्या ही नहीं है और हम जनाए चले जा रहे हैं। अच्छा देखो आपने सुना होगा हम कितना जानते हैं, अच्छा सही जानने के बाद भी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप बुरा मत मानना, उनमें मेरी भी गिनती है। अच्छा आपने देखा होगा किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, गांव में अक्सर ऐसा होता है, फिर लोग सहानुभूति के लिए उसके यहां जाते हैं, वे बेचारे रो रहे होते हैं प्रिय परिजन का वियोग हुआ, और ये क्या कहते हैं? देखो भाई जिसका जितने समय तक रहना है तब तक रहेगा, अब गया समय पूरा हो गया, और फिर ये शरीर तो कपड़ा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि, इसलिए मरने वाले की चिंता क्या करना। न तु विवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादि, गीता के श्लोक सुनाएंगे, अशोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादान से भाष्य, और एक दिन जाना है। वो बेचारा जो रो रहा होता है उसे भले ही सांत्वना न मिले भले ही समझ में ना आवे लेकिन वो भी चुप हो जाता आंसू पहुंच लेता, कहा क्यों नहीं तो उसे कोई गीता समझने वाला नहीं मानेगा, किसे गीता ही समझ में नहीं आती, इतने समझदार आदमी की बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती इसलिए समझता कहा, उसका रोना बंद हो जाता। लोग कहते वाह क्या ज्ञान दिया इन्होंने, उसका रोना बंद हो गया। लेकिन आप इतने में मत समझो, जिसको ज्ञान दिया वो भी प्रतीक्षा करता है कि कभी हमें मिलने दो मौका। तो जो समझाने गए थे जब इनके यहां कोई मरता तब वो आते हैं समझाने, और जो इन्होंने समझाया था वही वो इन्हें समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन जाना है, वादा कम न ज्यादा, वो तो जो हो गया सो हो गया। ऐसे आप विचार करो, अगर ये समझ ही गए होते समझाने वाले तो इनके यहां समझाने वाले क्यों आते, और अगर जो समझा रहे थे वो समझ गए होते तो उनके यहां समझाने वाले क्यों जाते। ये बड़ा विचित्र है,
कि हम लोग जिंदगी भर एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी समझते नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए कहिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। ये समझ हमारा अनुभव नहीं बनती, विडंबना यह है। और रोना इसी बात पे होना चाहिए कि ये समझ हमारा अनुभव नहीं बन रही है, ये समझ हमारा स्वभाव नहीं बन रही है। अच्छा, सब लगे हैं समझाने के लिए। अब महाराज समझाने वाले तो ऐसे कि दो आदमी, एक ने समझाया दूसरे ने समझा, दोनों भागे, वो आगे भागे ये पीछे। सिपाही ने कहा, कहां जा रहे, रुको 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 रुको। अरे बोले भैया, हमारा कोई मामला व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है। बोले फिर इसके पीछे पड़े क्यों हो? बोले अरे रहने दो। बोले बताओ। कहा कि हम दोनों उपदेश देने वाले, ये कह रहा था तुम हमारा प्रवचन सुन लो, फिर हम तुम्हारा सुनेंगे। सो अपनी सुना के भाग रहा, तो हम पीछे पड़ेंगे पकड़ के हम भी सुनाएंगे इसको। सब सुना रहे हैं। यही हमारे जीवन का जो खोखलापन है, समझ कर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। रावण का आपने देखा, रावण जितना विद्वान शायद ही कोई हो, चार वेद छह शास्त्र उसके मुख में है, इसलिए वो दसमुख कहलाता है, इतना बड़ा विद्वान। लेकिन रावण का ज्ञान कहां गया अपने जीवन में? ना, पांच सिर इधर चार सिर इधर। सीधा सा अर्थ है, रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। और रावण के पांच सिर जिधर उधर वजन ज्यादा, चार सिर जिधर उधर वजन कम, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती ही होगी। और रात को सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? रावण जैसे लोग कभी सुख से न सो सकते हैं, न गर्दन सीधी रख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रावण विद्वान है, रावण विद्वान है पर विद्यावान नहीं है। और हनुमान जी विद्यावान है। देखो, विद्वान और विद्यावान में अंतर है। जिसका ज्ञान उसके जीवन में उतर जाए वो विद्यावान, और जिसका ज्ञान खोपड़ी में बना रहे, इधर उधर वालों के लिए बना रहे, वो विद्वान। हनुमान जी का ज्ञान नीचे उतरा, खोपड़ी से सीधे नीचे उतरा, तो हृदय में कौन आया? बोले जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हृदय में भगवान, बुद्धि के ज्ञान तो तब सार्थक है जब उस ज्ञान के कारण हृदय में भगवान का अनुभव हो, भगवान का दर्शन हो।